हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मेरे सामने वाले घर में काम चल रहा है, सो आवाजें आएंगी, तो मेरी वॉइस, प्यारी से वॉइस को छोड़ के बाकी जो वॉइस है उसको इग्नोर करना प्लीज। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है एक शीट मास्क के ऊपर। तो मैंने एक शीट मास्क खरीदा है देखने के लिए कि वो अच्छा वर्क करता है कि नहीं। सो मैंने गार्नियर का सकुरा ग्लो शीट मास्क खरीदा है। सो स्टार्ट करते हैं इस पे रिव्यू और कुछ डेमो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैंने ये परचेज किया है, तो क्यों ना मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के सामने इसे रिवील करें कि सच में जो ये क्लेम करते हैं ऐसा है कि नहीं। तो ये सकुरा ग्लो, ये एक फ्लावर नेम है। मतलब ये ऐसा मैंने पढ़ा है। तो इसमें हाइलुरोनिक सीरम मास्क है, इसमें ना ये लिखा हुआ है कि इसमें एक मास्क में एक बॉटल के अकॉर्डिंग सीरम डाला हुआ है। मतलब ये ऐसा सच में ही है, क्योंकि एक मास्क में, एक्चुअली मैंने सुना है मास्क में पैकेट में भी काफी सीरम होता है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 15 मिनट तक हमें इसको रखना है, बट मेरे हिसाब से अगर शीट मास्क खरीद रहे हैं तो हम इतना महंगा, एक्चुअली हाँ, ये इसका जो प्राइस है ये 99 रुपीज है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, या तो फिर आप ये सामने कोई भी स्टोर हो आपके तो आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं, वहां से भी ले सकते हैं। तो जो ये मास्क है, इसमें लिखा है ये हाइलुरोनिक सीरम मास्क है, तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी मिला हुआ है। तो ये वन बॉटल ऑफ सीरम, मतलब एक मास्क में वन बॉटल ऑफ सीरम है, सीरियसली बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसको हम ना 15 मिनट नहीं, इसको हम आधा घंटा, एक्चुअली 30 मिनट तक रखेंगे। तो देखते हैं कि ये सच में ग्लोई फेस हमें देगा कि नहीं। और एक्चुअली ये लिखा हुआ है कि इसमें ये हाइड्रेट करेगा आपके स्किन को, ये हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को और ग्लो और डल स्किन, मतलब ये ग्लोई बना देगा आपकी स्किन को। और डल स्किन वालों के लिए है, जैसे कि मेरी काफी ड्राई स्किन है और आजकल के टाइम पे तो बहुत ज्यादा गंदी और ड्राई स्किन हो रखी है। सो इसीलिए मैंने ये फर्स्ट टाइम परचेज किया है। ये इतना सारा क्लेम कर रहे हैं कि इसमें ये है, इसमें ये है, ये इतना अच्छा रिजल्ट देगा, काफी ग्लोई स्किन बना देगा। तो ये आप लोगों के सामने ही मैं ओपन करूंगी, फेस पे अप्लाई करूंगी एंड देन आपको रिजल्ट इंस्टेंट दिखाऊंगी। तो हमें पता भी चल जाएगा कि मतलब ये सच में ऐसा जैसे क्लेम कर रहे हैं ये है कि नहीं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अब मैं आप लोगों को डेमो दिखाऊंगी कि शीट मास्क वर्क करता भी है कि नहीं। सो इसमें ना आपके कट दे रखे हैं, तो उसी से आप लोगों को इसे रिमूव करना है। OMG, इतना सीरम, इसे काफी ज्यादा निकल रहा है, इतना ज्यादा सीरम मत दो। इसमें सही में बहुत ज्यादा सीरम है, सही में बहुत सीरम है। इसको हम ऐसे खोलेंगे, सो ये है हमारी दो आंखें, नोज एंड लिप्स। सो इसको हम अपने फेस पे लगाएंगे। मेरा फेस गाइस बहुत छोटा है, तो ये मास्क भी ऐसा कुछ खास फिट हो नहीं रहा है, बड़ा ही है। सबसे मैंने कैसे भी फिट तो कर ही दिया है।
सो हाउ आई एम लुकिंग? भूत, प्रिटी, नो आई न्यू इट. सो इसको रखते हैं हम मैक्सिमम आधा घंटा. सो उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे. सो स्टे ट्यून गाइज. हे गाइज, सो मैं आ गई हूँ 30 मिनट्स के बाद. अब इसको हम निकालते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट क्या है, और मतलब सच में ऐसा पिंकिश ग्लो आता है कि नहीं. सो इसको रिमूव करती हूँ मैं. सो गाइस, आपको दिख रहा होगा कि मेरे फेस में अभी भी सीरम लगा हुआ है. सो हमें एक गलती नहीं करनी है रिमूव करने के बाद मास्क को, कि हमें ना अपना फेस नहीं वॉश करना है, क्योंकि अगर हम फेस अपना धो देंगे मास्क निकालने के बाद, तो जो ये सीरम और जो ग्लो आया है ना हल्का फुल्का सा भी, तो वो भी नहीं आएगा, एक्चुअली वो भी नहीं रहेगा. सो इसको क्या है कि अभी फेस पे ना जो सीरम आपको मेरे फेस पे दिख रहा होगा, तो इसको ना अभी हमें हल्के हाथों से ना मसाज करना है. हमें इसे ना रिमूव नहीं करना है, इसे साफ नहीं करना है हमें, या फेस को वॉश नहीं करना है, इसे हल्के हाथों से मसाज करना है. देन उसके बाद 50 मिनट्स तक इसको छोड़ देना है, ताकि आपका फेस को ना, फेस में जो भी ये सीरम लगा हुआ है, ये अब्सॉर्ब हो जाए, अच्छे से सोख ले आपका फेस सीरम को. उसके बाद शायद उसके बाद ही ग्लो आएगा. ऐसा करके भी हम देख सकते हैं. जैसा कि ये लोग क्लेम कर रहे थे पिंकिश ग्लो, ऐसा कुछ भी नहीं आया है. बट हाँ, फेस थोड़ा सा आपको साफ लगेगा, अच्छा लगेगा, काफी फ्रेश फ्रेश फील होगा ये लगाने के बाद. तो ये लगाते वक्त, मतलब जिस दिन भी आप ये लगाएं, उसके बाद आप कुछ ना लगाएं फेस पे, तो ऐसे ही ये सीरम फेस पे रहेगा. तो इसके बाद आप नेक्स्ट डे फेस को वॉश कर सकते हैं, तो ताकि आप अच्छे से, मतलब आपका फेस ना इसको सोख ले, अब्सॉर्ब कर ले. तो इसके लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए आपको यही करना पड़ेगा. जो हमारा ये मास्क था, शीट मास्क, इसने अच्छा वर्क किया. तो गाइस, जो शीट मास्क हमने लगाया, उसके बाद का रिजल्ट ये आपको मेरे फेस पे दिख रहा होगा. इतना कुछ खास पिंकिश ग्लो नहीं आया है, या जरूर हाइड्रेट लग रही है स्किन, और काफी अच्छा सॉफ्टनेस मतलब लग रहा है स्किन में. और इसके बाद आपने मसाज करना है, उसके बाद आपने 15-20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है. देन उसके बाद भी आपने फेस को वॉश नहीं करना है, नेक्स्ट डे वॉश करना है. तो ये ऐसे ही रहेगा, ताकि फेस अच्छे से आपका अब्सॉर्ब कर ले. ये था आज का रिव्यू एंड डेमो, जो कि आपने देख ही लिया है. गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन पे भी हिट कर देना, जिससे कि आप लोगों को मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे. सो टिल देन, बाय बाय गाइज, एंड टेक केयर, लव यू.